हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ एक्सेल के कंप्यूटर क्लास में। तो मैं आज ओ लेवल कोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ओ लेवल कोर्स करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो ओ लेवल कोर्स होता है, आप एक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कोर्स के ये बराबर होता है। ओ लेवल और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये जितने भी पॉपुलर आपके गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जो ओ लेवल कोर्स है वो आप कौन से इंस्टीट्यूट से करें। ओ लेवल कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अब वो कितने साल का होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या और फीस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। आप जो ओ लेवल कोर्स है वो हमारे इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्सेल कंप्यूटर क्लासेस। हमारा इंस्टीट्यूट नाइलिट और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से रजिस्टर्ड है, और MSME से भी रजिस्टर्ड है। अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का रजिस्ट्रेशन लेटर आप देख सकते हैं, और NIELIT का भी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। बहुत जगह होती है जहाँ NIELIT का रजिस्ट्रेशन मांगता है, तो वो भी हमारे इंस्टीट्यूट का लेटर है, आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन। अब NIELIT से भी रजिस्टर्ड है हमारा इंस्टीट्यूट। अब बात कर लेते हैं ओ लेवल कोर्स के बारे में। तो ओ लेवल का जो कोर्स होता है वो एक साल का होता है, जो NIELIT द्वारा कराया जाता है। ओ लेवल का जो कोर्स होता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है ये, और ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत वैलिड कोर्स है। अब बात करते हैं जो आपका कोर्स है ओ लेवल, उसकी ड्यूरेशंस क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये एक साल का होता है जिसमें दो सेमेस्टर होते हैं, और उसके लिए 12th पास होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि ओ लेवल जो कोर्स है उसमें क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं। तो पहले सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं टूल्स एंड एप्लीकेशंस, उसके बाद आप बिजनेस और सिस्टम ये पढ़ते हैं। आप सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन, प्रोग्रामिंग थॉट्स एंड वेजिबल बेसिक। अब बात करते हैं कि इसके बाद ओ लेवल कोर्स के बाद ओ लेवल की फीस क्या है। तो ओ लेवल की फीस आपकी सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन लेटर। रजिस्ट्रेशन में आपका होता है 600 रुपए लगते हैं। एग्जामिनेशन की फीस जो 5000 है, और कोर्स की फीस है 12000। अब बात करते हैं आईडी कार्ड की। तो जब आप एडमिशन लेते तो आपको आईडी कार्ड मिलता है, और एग्जाम के लिए आपको एडमिट कार्ड मिलता है। अब बात करते हैं कि अब ग्रेड मिलते हैं इसमें, तो ग्रेड का परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो 85 से जो अबव होते हैं उनको एस मिलता है, 75 to 4% जिसका होता है उसको बी ग्रेड मिलता है, 60% to 67% या 74% हो तो उसको बी ग्रेड मिलेगा, 55% से जिसका 64% हुआ उसको सी ग्रेड मिलेगा, और 50% से जिसको 54% है उसको आपको डी ग्रेड मिलेगा। ये ग्रेड्स हैं जो आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जो ओ लेवल कोर्स है उसके लिए जॉब कौन कौन सी आपको मिल सकती है। तो ओ लेवल कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जनरल प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, और EDP असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन डेट की। तो आपकी जनवरी और जुलाई सेशंस में एग्जाम्स होते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। आपकी जो स्टार्ट डेट है, जो स्टार्ट होती है वो 1 जुलाई से 15 सितंबर तक है, और जो एग्जाम स्टार्ट होते हैं वो 11 जनवरी से होते हैं। अब जुलाई की जो एग्जाम्स होते हैं, अब उसकी टर्म्स क्या है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 15 मार्च तक, और जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट होता है आपके 11 जुलाई तक। अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बात करते हैं कि वन ईयर का जो आपका ओ लेवल कोर्स है उसके आगे आप कौन सा और कर सकते हैं। तो इसके 3 लेवल होते हैं, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल। अब बात करते हैं कि आपका 3 लेवल हो गया, इसके बाद आप हमें कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमारा एड्रेस है और हमारा नंबर है जो मैं आपको बताती हूँ। हमारा नंबर है 9912522252। हमारा एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर धरम प्लाजा शिव कॉलोनी रेलवे रोड पलवल। अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे।